नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा राधवन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। अशोक गहलोत राज की एक और बड़ी भर्ती सवालों के घेरे में आ गई है। आरएएस भर्ती 2021 को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 25 जनवरी को राजस्थान लोक सेवा आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच के लिए संभागवार सूची जारी की थी। इस सूची से पता चला कि टॉप 100 अभ्यर्थियों में अकेले बीकानेर संभाग के 43 अभ्यर्थी हैं। सर्वाधिक आरएएस और आरपीएससी का चयन भी इसी संभाग से हुआ है। इतना ही नहीं, मेडिकल जांच हर बार अमूमन 2 महीने में पूरी होती है, जबकि इस बार महज 3 दिन के अंदर ही मेडिकल जांच पूरी कर ली गई। इस जल्दबाजी को लेकर धांधली के आरोप लगे हैं। आरएएस भर्ती 2021 के कई अभ्यर्थियों ने इस भर्ती की एसआईटी से जांच कराने की मांग उठाई है। 1 फरवरी को कई अभ्यर्थियों ने पूर्व सांसद और आरएनपी से विधायक हनुमान बेनीवाल को ज्ञापन देकर जांच कराने की मांग भी की है। हनुमान बेनीवाल ने भी कहा है कि ये भर्ती संदेह के घेरे में है, ऐसे में इस भर्ती परीक्षा की पूरी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस राज में हुई इस भर्ती को कुछ महीने पहले तक भाजपा ने भी धांधली के आरोप लगाए थे और इस भर्ती को रद्द करने की मांग भी की थी। आपको बता दें कि अब एक बार फिर से डॉक्टर करोड़ीलाल मीना ने ट्वीट करके लिखा है कि पिछले 5 साल में हुई भर्तियों में जो भी धांधली हुई उसकी जांच होगी। अशोक गहलोत सरकार के कई काले कारनामे अब सामने आएंगे। उन्होंने लिखा कि मैंने मुख्य परीक्षा में पेपर लीक होने के प्रमाण भी दिए हैं। ये खुलासा किया है कि कॉपी जांचने का काम निजी हाथों में सौंपकर गड़बड़ी की गई है। अशोक गहलोत सरकार ने आरएएस 2018 की तरह ही आरएएस 2021 की भर्ती में भी अपने चहेतों का चयन करके मेहनती युवाओं के हक पर डाका डाला। आरएएस 2021 में प्री से इंटरव्यू तक की प्रक्रिया में पूर्व सीएम ने आरपीएससी अध्यक्ष की तरह काम किया। हाईकोर्ट ने प्री परीक्षा को रद्द करने तक के आदेश दे दिए थे, लेकिन गहलोत सरकार ने यहां और सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपए में बड़े बड़े वकील करके पेपर लीक माफिया का साथ दिया। इससे पहले भी मीना आरएएस भर्ती 2021 पर सवाल उठा चुके हैं। उनका सीधा आरोप था कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने चहेते शिक्षकों से कॉपियों की जांच करवाई। कांग्रेस नेताओं के नजदीकी शिक्षकों से कॉपियों की जांच कराने और नेताओं के नजदीकी रिश्तेदारों अभ्यर्थियों को ज्यादा नंबर दे जाने के आरोप भी लगाए थे। डॉक्टर करोड़ीलाल मीना ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हट धर्मिता से आरएएस भर्ती की मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाया था। टॉप 100 चयनितों में से एक ही संभाग के 43 अभ्यर्थियों का चयन होना डॉक्टर करोड़ीलाल मीना ने गड़बड़ी का सबूत यही बताया। आपको बता दें कि आरएएस भर्ती 2021 का अंतिम परिणाम 17 नवंबर 2023 को आ गया था। मुख्य परीक्षा की कट ऑफ 800 में से मात्र 314 अंक रही थी। ये कट ऑफ पिछले 20 सालों में सबसे कम थी। अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा की कॉपियां दिखाने की मांग की, लेकिन आरपीएससी इसको लगातार टालता रहा। जब हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कॉपियां दिखाने के निर्देश दिए तो भी आरपीएससी ने डबल बेंच में अपील कर दी। बाद में आरपीएससी ने 30 अप्रैल 2014 से सभी कॉपियां ऑनलाइन अपलोड करने की बात कही। अब मेडिकल जांच पूरी करके चयनितों को नियुक्ति दिए जाने की भी तैयारी लगातार की जा रही है। इसी बीच में अभ्यर्थियों ने एसआईटी से जांच की मांग उठा दी है। अब देखना होगा कि इस भर्ती को लेकर अब सरकार का फैसला क्या होता है। इस पर आपके विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।